आज मिर्जापुर पर केशव प्रसाद मौर्य ने 500 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यूपी का बंटवारा नहीं होगा, ऐसा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया। यूपी के बंटवारे के सवाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले कि इस मामले में मुझे मालूम नहीं है कि कोई बंटवारा हो रहा है, आपको मालूम है तो मैं नहीं जानता। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन है, वह झूठ बोलकर जनता को बरगला रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के संबंध में भी उन्होंने कहा कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 3,71,00,00,000 रुपए के 499 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। मिर्जापुर प्रवासी के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने मंदिरों में भी दर्शन किए। उन्होंने विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। केशव मिर्जापुर से विकास चंद अग्रहरी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। करते रहेंगे केंद्र और प्रदेश की सरकार का खजाना, उत्तर प्रदेश के गांव गरीब किसान के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सबके लिए खुला हुआ है और आगे भी खुला रहेगा। सर नियंत्रण को लेकर क्या सरकार आने वाले वक्त में कोई प्रस्ताव कानून लाने जा रही है जनसंख्या नियंत्रण को? निश्चित तौर से सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और जो भी प्रदेश के देश के हित में होगा हर वह कदम उठाया जाएगा। न तुष्टिकरण की राजनीति होगी, राजनीति करो सर। ये धर्मांतरण को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, धर्मांतरण को लेकर ATS ने जो खुलासा किया है, जो धर्मांतरण करने वाला ये गिरोह है, उस पर क्या एक्शन सरकार लेगी या ऐसे लोगों को? एक्शन सरकार नहीं लेगी। कोई धर्मांतरण गुमराह करके करेगा, लालच दे करके करेगा, विदेशी पैसा लेकर के करेगा, उसके लिए चलते रहे। सर यूपी की बंटवारा पर एक लाइन आप कल लोग जानना चाहते हैं। मालूम नहीं है कोई बंटवारा हो रहा है, आपको कुछ मालूम है तो मैं जानता हूँ। सर बिजली अच्छी दे रहे हैं तो क्यों त्रिस्तरीय चुनाव में आपका परिणाम अनुकूल नहीं है? हमारा परिणाम सबसे अच्छा था। ये विपक्ष जो झूठ बोलने का काम करता है, मुद्दा ही है ना, घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसकी सीटें अधिक होंगी वो ज्यादा जीता है। विधान ब्लॉक मुंबई के चुनाव होंगे, जिसके ज्यादा ब्लॉक मुंबई बनेंगे वो ज्यादा सीटें जीता। मुख्यमंत्री का झूठ बोल रहा है विरोधी मिलकर के, उनके पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। मुख्यमंत्री का बदलने को लेकर कैसे संबंध है? अभी की और योगी जी का संबंध है माता विंध्यवासिनी मैया के आशीर्वाद से बहुत अच्छा।